अवार्ड है, आइकॉनिक लोग को मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ है? बहुत खुशी है यार कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया, सो वो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है, अच्छा हो रहा है सर, तो अच्छा होने दो यार, अच्छा लग रहा है यार, इट्स ऑल गुड। सर किस कैटेगरी में अवार्ड मिल रहा है? मुझे मोस्ट एंडियरिंग पर्सनैलिटी ऑफ टीवी मिला, बहुत प्यार वाली पर्सनैलिटी मिली है, आई थिंक जब से मैं आया हूँ बिग बॉस से भी, सो बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दुआएं मिल रही है लोगों की, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट यार। मैंने अभी तक एपिसोड्स देखे नहीं, ऑनेस्टली मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, बट मैंने दो तीन जो अभी देखे हैं रिसेंटली, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आई थिंक तो अभी देखते हैं क्या होता है वाइल्ड कार्ड का, लेट्स सी। हाँ वो एक्चुअली थोड़ी डला है, मुझे यही कहना है कि रचना सही हुई है और घर में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इट वॉज वेरी शॉकिंग टू मी, एंड साजिद खान इज जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, ऑफकोर्स अगर उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो सिर पे चढ़ेंगे, वो चढ़ रहे हैं, बाकी अर्चना अच्छा कर रही है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, और ऐसे ही करती रहे तो बहुत अच्छा जाएंगे। घर में सिंगुल जी के पप्पा गए थे, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ एक सिंगुल के पप्पा गए थे, अरे अरे सुंबुल के पापा गए थे, सुंबुल के पापा ने तो हल्ला मचा दिया यार, बट आई थिंक उन्होंने अपनी बेटी को समझाना था, मुझे लगता है कि अच्छा है समझाइए लेकिन दूसरे के बच्चों को मत गिराइए, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं और ऐसा नेशनल टीवी पे किसी को ऐसा गाली मत दीजिए, बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स ऑल वेंट वेल। बट एक शालिन की वजह से दो लड़कियों के कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहे, व्हाट यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? शालिन का कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों नहीं हो रहा, लड़कियों का क्यों हो रहा है? आई थिंक उन्होंने खुद कहीं ना कहीं वो वजह दी है लड़कियों ने वो करने की, तो आई थिंक वो आज उनके साथ हो रहा है, तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि बहुत बार समझाया गया दोनों को, बट अगर वो नहीं समझ पा रही तो वो नहीं समझ पा रही, क्या कर सकते। टॉप फाइव में मैं किसे देखना चाहूँगा? टॉप फाइव में मैं देखना चाहूँगा शिव और प्रियंका, अर्चना, अब्दू जाएगा आई थिंक क्योंकि उसे प्यार व्यार मिल रहा है ज़्यादा, और अगर सौंदर्या टिकती है तो आई थिंक सौंदर्या या शिव अभी घर में कैप्टन है, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा कैप्टनशिप कर रहा है मैंने जितना भी देखा, उन्होंने अर्चना को महामंत्री बना लिया, जो लड़की घर में सबसे ज़्यादा परेशानी देगी उसी को उसने बना लिया, और प्रियंका को नॉमिनेशन से बचा लिया, तो आई थिंक विन विन सिचुएशन है शिव के लिए, और बहुत अच्छा कर रहा है वो, एंड आई थिंक वो ऐसे ही खेलेगा, अगर अपने हिसाब से खेले, साजिद खान की परछाई में ना खेले तो विल डू गुड, विल डू वंडर्स यार। सर आगे आप कौन सा रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मुझे हमेशा से खतरों करना था, बिग बॉस तो मेरा कोई प्लान ही नहीं था करने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवेंचर टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे खतरों करना था, बट डेट्स ऐसे आई कि बिग बॉस मिला तो मैंने किया, बट आई लव टू डू खतरों, नच बलिए, तो मैं अगर करूँगा तो मैं ये करूँगा ऑफकोर्स। आपकी कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है OTT में, वेब सीरीज वगैरह भी? मेरे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वेब चल रहे हैं, टीवी के भी हैं, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पिक करूँ, कैसे करूँ, बहुत लोगों के आ रहे हैं मैसेजेस और वो सब आ रहे हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके चीज़ें देख रहा हूँ, जो अच्छी होंगी मैं श्योर इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी करूँगा और आप लोगों को पता लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।